हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्सियम पर। और ये जो लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लास्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, शांति से पालथी मार करके बैठ जाओ और बोलो बस यही इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। पीछे का सारा लेक्चर उम्मीद करते खत्म हो गया होगा, है ना, तुम लोगों ने देख लिया होगा। आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ है नहीं, सब चीज पीछे का पढ़ा हुआ है हम लोग का। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, बस एक छोटा सा चीज है इलेक्ट्रिक डायपोल, उस पर हम लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा बस नोट्स तैयार करना है और फॉर्मूले वगैरह हैं उनको देखो, ऑब्जर्व करो, और कुछ है नहीं। थोड़ा हो सकता है कि आज का लेक्चर लेंदी भी हो और थोड़ा फास्ट भी हो, है ना। तो थोड़ा फास्ट होगा, ज्यादा भारी नहीं होगा। तो इनको बस नोट बनाने के लिए, है ना, कंटिन्यू करते रहना है, बस लिख लेना है थोड़ा, है ना, नोट्स बनाना है, फॉर्मूले बनाने हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों के। सबसे हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवा देंगे, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, है ना, इसको नॉर्मल तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो पहले समझ, इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? तुम लोगों ने HCl तो पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़े ना, तो जानते हैं कि इस दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाता है ना, और ये होता है हमारा कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड। बट कुछ कंडीशन होता है कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को खींचना चाहता है अपनी तरफ, है ना, ऐसा कुछ, इसको इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं, है ना। और जिन्होंने भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा, थोड़ा जानते होंगे। तो अगर हम कह देंगे भाई क्लोरीन इसको अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर स्लाइट चार्ज चढ़ जाता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, बहुत छोटा सा, और उसी तरह से यहाँ पर स्लाइट निगेटिव चार्ज चढ़ जाता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन को अगर ये अपनी तरफ खींचेगा, क्या लिख दीजिए, उल्टा पुलटा लिख दिए, इधर निगेटिव चार्ज जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा इधर, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ खींचाने लगेगा। और जब इस तरह का कंडीशन बनता है तो हम इसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड है, और ये पोलरिटी, समझ में आया, पोलर कंपाउंड है, कुछ चार्ज आ गया, स्लाइट चार्ज आ गया, ये कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं दिया पूरा पूरा, थोड़ा सा चार्ज खींचा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है हम इसी कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, चार्ज के पोल बने हैं, और जो दोनों बहुत ही छोटे सेपरेशन पर होते हैं, बहुत मिनिमम सेपरेशन पर होते हैं। अब इमेजिन कर सकते हो कि हम किस सेपरेशन की बात कर रहे हैं। देखो ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है ना, ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है। जस्ट लाइक दैट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सॉरी हाइड्रोजन वाटर की बात करें, तो ये ऑक्सीजन हो गया और दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमको, यहां पर ऑक्सीजन पर भी उस तरह से निगेटिव चार्ज आ जाता है ना, और हाइड्रोजन पर यहां पर प्लस चार्ज चढ़ेगा, यहां पर प्लस चार्ज चढ़ेगा। तो हम ये एक कॉम्बिनेशन ये जो बन रहा है ना, ये देखो प्लस और माइनस का एक कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है, और प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन यहां पर भी दिख रहा है, ये हमारा, ये भी पोलर कंपाउंड है, और ये जो सिस्टम है प्लस माइनस वाला एक डायपोल, और उसी तरह से एक प्लस माइनस का इधर से भी एक डायपोल बन सकता है ना, ये इसको हम कह सकते हैं टू डेल्टा। तो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा मिलकर के एक डायपोल यहां बना रहा है और एक डायपोल यहां बना रहा है ना, एक कॉम्बिनेशन ये और एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, इज दैट ओके। तो इसी सिस्टम को कहते हैं डायपोल। तो पहला बात तो फील करो कि डायपोल है क्या, दो अपोजिट, मतलब अपोजिट और सेम चार्ज वाला, दो अपोजिट कैरेक्टर का और सेम चार्ज वाला एक सिस्टम है जो कि बहुत ही मिनिमम सेपरेशन पर है, और इस सिस्टम को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रिक डायपोल, पहले तो भाई इसका डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, व्हेन टू स्मॉल एंड स्मॉल कॉमा इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस placed at very small separation, ठीक है, is called electric dipole। क्या इसको electric dipole कहते हैं, एकदम सिंपल है बात, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना है, HCl में ये बनता है और ये वाटर वाले में बनता है। ये क्या हो गया हमारा वाटर, वाटर एक पोलर कंपाउंड है और HCl भी एक हमारा पोलर कंपाउंड है। जितने भी पोलर कंपाउंड होंगे उनमें ये सारा डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का फेनोमेना हमको ऑब्जर्व होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा हेल्प वगैरह कर जाता है डायपोल मोमेंट वगैरह निकालने में, है ना।
तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया भी तो होता है डायपोल मोमेंट, क्या होता है वो भी हम यूज करते हैं। पहले इसको इसको लिख लो एग्जांपल के तौर पर, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, दिखा गया पूरा, ये क्या है बस हटा दे रहे हैं इसको पहले, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है कि हमारे पास दो छोटे छोटे चार्ज हैं, एक है हमारे पास यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और एक है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन को हम कहते हैं 2L, क्या बोलते हैं इसको 2L। अब ये 2L क्यों है इस पर बात में बात कर लेंगे, लेकिन हाँ अभी दोनों के सेपरेशन जो है बहुत छोटा है, तो हम कह देते हैं कि मतलब 2L इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ये बहुत बहुत स्मॉल है ना, ये 2L जो है बहुत ही स्मॉल है। पहला बात तो ये समझ लो, कोई दिक्कत है, यानी कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं और दोनों के दोनों बहुत ही छोटे हैं, मतलब बहुत ही क्लोज सेपरेशन पर है, और सिस्टम को ये कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मजा आ गया, दैट्स इट। अब इसमें एक चीज आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सब लोग पहले ले लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। भाई मोमेंट ऑफ इनर्सिया पढ़े थे क्या, पढ़े थे ना, मास पढ़े हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पढ़े हैं, मास पढ़े हैं, उसी तरह से यहां पर भी एक मोमेंट आ रहा है ना, तो इस मोमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये चाहता है कि सिस्टम को बनाकर कैसा रखें, जो इस मोमेंट को बना के रखना चाहता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो फील करो उसी तरह से कि जैसे कि मास है अपना, चाहता है कि भाई एक्सलेशन का विरोध करता है, उसी तरह से रोटेशनल मास भी होता है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्सिया कहते हैं, उसी तरह से ये भी है ना, ये भी इस सिस्टम का एक मोमेंट है, ये चाहता है कि इसका अपना एक इनर्सिया मेंटेन करके रखे, है ना, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम लोग पी वेक्टर से दिखाते हैं, ये जो इसका पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है इसका जो क्यू दिख रहा है और इसका मल्टीप्लाई क्यू इंटू 2L, यानी कि एक चार्ज इंटू 2L के बराबर, चार्ज का प्रोडक्ट और इसके बीच का सेपरेशन का प्रोडक्ट ये होता है, बस याद रख लो क्यू इंटू 2L बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट is a vector quantity, ठीक है, and its magnitude is q into 2L, इसका magnitude हो गया, यानी कि इसका इतना number तो होगा charge, है ना, charge का value डाल देंगे, length का value डाल देंगे, दोनों multiply कर देंगे, q into 2L हो गया, and its direction फ्रॉम निगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, यानी कि माइनस चार्ज से लेकर के प्लस चार्ज की तरफ हम इसके डायरेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ दिखाते हैं। थोड़ा एक चीज देखना, हम एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, डायपोल के बारे में, ठीक है, लाइन ऐसे, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, इस डायपोल का एक सेंट्रल पॉइंट ये हो गया, तो ये यहां से हम ऐसे दिखाते हैं माइनस से प्लस की तरफ डायपोल को दिखाते हैं, यहां से ओरिजिन करवाते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया इसका, तो ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर। किधर से किधर की तरफ हुआ, माइनस से प्लस की तरफ दिख रहा है, और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो इसका सेंटर है, और इसीलिए हमने यहां 2L लिया ताकि हम इधर कर सकें L और इधर भी कर सकें L, अभी आ गया समझ में, ठीक है, तो इसीलिए है ना, एंड इट्स ओरिजिन पॉइंट इज फ्रॉम मिडिल पार्ट, है ना, मिडिल ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल का जो एक्सिस है उसका जो मिड पॉइंट है यहां से ही हम कहते हैं इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ये पी वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया क्यू इंटू 2L, और ये डायरेक्शन किधर दिख रहा है, माइनस से प्लस की तरफ, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके दो तीन चीज के बारे में बात करना, इसका यूनिट क्या होता है, तो पहले तो बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में, है ना, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, तो देख लो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर होगा क्या, क्या बोलेंगे, कूलम्ब इंटू मीटर, ठीक है, यानी इसको सीएम कह देंगे, है ना, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर, सस्ता मिनिस्टर नहीं, कूलम्ब मीटर, है ना, पहला चीज हो गया। और अगला है हमारे पास सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है डे बाय, ठीक है, डे बाय, ठीक है,
डे बाई इनोन इनके ये एक साइंटिस्ट थे, इनके रिगार्ड में नाम रखा गया सीजस यूनिट। और वन जो सेंट सीएम आता है मतलब बेसिकली वन डिवाइड जो लिखते हैं हम लोग ये होता है वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू 10^-21 कूलम्ब मीटर। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू होता है उतना यहाँ पुट कर देना है, इतना कूलम्ब मीटर आता है एक डिवाइड का वैल्यू। इज दैट ओके? और एक और वैल्यू होता है, ठीक है लिख देते हैं यहीं पर। ये सब डेटा याद रख लो, कुछ है नहीं। 1 10^-18 स्टेट कूलम्ब भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी कभी पूछा जाता है सीजीएस वगैरह में तो अगर दे दिया तो ऐसे यूनिट ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, लिख लो कॉपी मोटा करने के लिए खाली। हाँ है हमारे पास नोट में, है ना, होशियारी झाड़ने के लिए। और कुछ है नहीं इसका मतलब। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा पूरे के पूरे इस चैप्टर में जो पूरा जो सीरीज चलेगा लेक्चर में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हम खूब ज्यादा यूज करने वाले हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड क्यू इनटू 12 और किधर से किधर की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ। ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन है ना यहां उधर, सॉरी इस जो वेक्टर का जो टेल होगा वो टेल हर समय यहां से ही बनाएंगे। इज इट ओके? मिड पॉइंट से, समझ बात। माइनस से प्लस की तरफ तो होता है मगर इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर से होता है। कोई दिक्कत, कॉपी कर लो जल्दी से इसको, मतलब कॉपी करना मतलब स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, और बस आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे इसके एक्सिस पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और साथ में ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालते जाएंगे इसलिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक चार्ज का वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। तो वो भी थोड़ा सा दिमाग में रखते जाना। ठीक है, बस डेराइव करते जा रहे हैं, बस छाप लो कुछ तो। रात में भी कौन सा गाड़ी जा रहे हैं। चलो ठीक, ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। एक डायपोल है हमारा ऐसे, ठीक है, यहां से हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर हो गया माइनस क्यू चार्ज, यहां पर हो गया प्लस क्यू चार्ज। और हम बात कर रहे हैं डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इसके एक्सिस पर निकालना चाहते हैं, ये सेंटर है ना, तो यहां से इसके एक्सिस पर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और ये डिस्टेंस बहुत दूर है, तुमको पता है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस बहुत दूर पे, यानी कि इस छोटा सा मान लो यहाँ डायपोल है ना, यहाँ डायपोल से हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बहुत दूर। ये डायपोल है, वो एक मॉलिक्यूल है, मतलब HCl, HCl के कारण हम यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर में यहाँ पर। तो HCl का मतलब कुछ वैल्यू तो है नहीं, मतलब उसका ले तो कुछ होगा नहीं, इसे थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखना है यहाँ पर, है ना। और हम किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम जो डिस्टेंस लेना चाहते हैं वो सेंटर से ले लेंगे, जिसको हम आर कह देते हैं। और हमको पता है ये लेंथ क्या है, एल है ना, और सिमिलरली ये भी लेंथ हमारा एल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, प्लस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, जिसको हम E प्लस कह सकते हैं। प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ दिखा दिए। और माइनस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जिसको हम इधर की तरफ दिखाते हैं, ई माइनस। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक ई प्लस क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ई माइनस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बड़ा होगा इस दोनों में, यानी कि ये E प्लस और E माइनस में कौन बड़ा होगा। E प्लस माइनस प्लस होने से ना ये वाला, हम कह रहे हैं इस प्लस वाले ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ निकाला, इसको हम E प्लस कह दे रहे हैं। E माइनस मतलब वो निगेटिव चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया यहां पर इधर की तरफ। अब हमको ये जानना है कि इस दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा वही होगा, बड़ा कौन होता है, दही बड़ा होता है। क्या हो गया आज हमको, अरे मतलब बड़ा ये है, दही नहीं होता है बड़ा। ठीक है, दही होता है बड़ा। ओके, तो भाई जिसका डिस्टेंस छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इसका डिस्टेंस बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम। तो हम साफ देख सकते हैं यहां से कि ई प्लस जो है वो बड़ा है ई माइनस से, इस कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं उधर ही आने वाला, तो हम इसको छोटा ही बना देते हैं। ठीक है, इसको छोटा ही दिखा दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही देखने वाला है, जो ई नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा,
यानी कि बड़ा में छोटा घटा देंगे तो उधर जाएगा, बड़ा कौन है यहाँ पर, ई प्लस, ठीक है ओके। तो ई प्लस क्या हो गया यहाँ पर से, इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेटेड बाय प्लस क्यू चार्ज, और ई माइनस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेटेड बाय माइनस क्यू चार्ज, दिख रहा है क्या। माइनस क्यू चार्ज है ना ये, अब बता दो ई नेट क्या आएगा, ई नेट क्या आएगा यहां पर से, हम कह देंगे ई प्लस माइनस में ई माइनस रहेगा है ना, इस दोनों घटा देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहां पर कितना जनरेट किया होगा, तो हम इसके कारण बात कर सकते हैं कि E प्लस क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना, तो K इसका चार्ज है Q, और यहां से तक डिस्टेंस कितना है, देखो ये R यहां से तक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस L है ना, क्योंकि ये L है और ये पूरा R है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस में L होगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसी तरह से R प्लस में L, ये बात समझ में आ रहा है, तो R माइनस में L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और E माइनस क्या हो जाएगा, E माइनस K इसका चार्ज और यहां से तक का डिस्टेंस, यानी कि R प्लस में L का होल स्क्वायर। और ऐसे भी देख सकते हो कि ये जिस तरह जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, सिंपल है। तो E प्लस की जगह पे क्या लिख देंगे यहां से, KQ अपॉन R माइनस में L का होल स्क्वायर माइनस में KQ अपॉन R प्लस में L का होल स्क्वायर, एक सेकेंड। हाँ तो इन लोग को रात में भी बताओ ट्रक लेके जाना पड़ता है, क्या वीडियो भी नहीं शूट करने दे रहा। केक्यू अपॉन केक्यू बाहर आ जाएगा यहां से है ना, केक्यू यहां से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा यहां से देखो, तो वन अपॉन आर माइनस में एल का होल स्क्वायर माइनस में वन अपॉन आर प्लस में एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका है, उसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। केक्यू एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो यही आएगा आर माइनस में एल का होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा आर प्लस में एल का होल स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा ये दोनों है ना, आर प्लस में एल का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस में एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं यहां से, तो के क्यू दिख रहा है यहां से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, पर हम इसको तोड़ेंगे, नीचे वाला नहीं तोड़ना है सिर्फ ऊपर वाले को, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में टू इंटू आर एल, और माइनस कर देंगे यहां से, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर है ना, माइनस में एल स्क्वायर प्लस में टू आर एल हो जाएगा, ठीक है यहां तक। और नीचे वाले में हम क्या बोलेंगे कि भाई यहां से एल हमारा बहुत छोटा है, एल बहुत ही छोटा है, एल बहुत बहुत छोटा है आर से, इस कारण से हम एल को इग्नोर कर देंगे, तो बचेगा क्या आर का स्क्वायर, यहां भी आर का स्क्वायर, तो क्या बचेगा आर पावर फोर। आगे समझ में, देखो एल हमारा बहुत छोटा है, ऊपर में नहीं करना है क्योंकि ऊपर में ऐसे देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट ही रहा है, तो टू आर एल हो जाएगा है ना, यहाँ भी टू आर एल फोर आर एल हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप है, थोड़ा ध्यान समझ लीजिए सारे को, यहाँ पर ऐसे भी बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, आर अगर कॉमन निकाल लोगे तो एल अपॉन आर आ जाएगा, और एल अपॉन आर वैसे ही बहुत छोटा होगा, एल ऐसे ही छोटा है, ठीक है। एल कितना छोटा है तुमको पता है, अब ये मोलिक्यूल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम यहाँ बात कर रहे हैं मीटर पे, तो आर जो है ये मीटर के लेवल पे, और ये हमारा ये नैनोमीटर में है या फिर पिकोमीटर में है, तो समझ जाओ बहुत ज्यादा डिफरेंस के मामले में बात हो रही है। ये दोनों तो खत्म हो गया यहाँ से है ना, हम इधर इरेज कर दे रहे हैं, कॉपी कर लो जल्दी से, इधर का जल्दी कॉपी करो, हो गया कॉपी, ये सारा कॉपी करो जल्दी से, हम इधर इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या आ रहा है, के क्यू इंटू 4 आर एल आ गया, आ गया क्या, 4 आर एल अपॉन आर की पावर 4, आर से आर खत्म हो गया यहां से है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दिख रहा है वो आ रहा है के क्यू इंटू, देखा ध्यान से कैसे लिख रहा है, के क्यू इंटू 2 इंटू 2 एल बाय आर का क्यूब, लिख सकते हैं क्या ऐसे, देखो तो वैसे ही लिखा गया, और हम ऐसा क्यों लिखे क्योंकि हमको दिख रहा है क्यू इंटू 2 एल, क्यू इंटू 2 एल को पी कहते हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसा काम किया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पी अपॉन आर का क्यूब, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, याद कर लो, रट्टा मार लो, चाहे जो कर लो याद होना चाहिए 2 के पी बाय आर का क्यूब, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से, साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब है, आर का क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये देखना ध्यान से,
डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आर का क्यूब का है ना, वन अपॉन आर का क्यूब का प्रोपोर्शन जा रहा है। कोई दिक्कत? एक्सिस पर निकाल लिया, कॉपी कर लो जल्दी से। एक्सिस पर जब हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सिस पर जब हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, ये था प्लस क्यू चार्ज, और हमको ये पता है कि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है ऐसे करके ना, ऐसे चलता है, ये पता है ऐसे, ठीक है, सारा चीज पता है, वो थोड़ा दिमाग में रख लेना अपना, ठीक है, हम इसको भी हटा दे रहे हैं। हमको पता है कि डायपोल मोमेंट किधर होता है, हमको पता है सेंटर से माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट होता है, माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट किधर होता है, इधर से इधर की तरफ, है ना, पी वेक्टर। अब एक बात बताओ, हम अगर यहां पर बात कर रहे हैं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था, इधर आया था क्या, अभी इधर आया था ना, ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायपोल मोमेंट वेक्टर आया था, नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस जो आ रहा है इज ऑलवेज अलोंग ए एल ओ एन जी है ना, अलोंग पी वेक्टर, मतलब उसके डायरेक्शन में ही है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम इस जगह बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे आएगा, ठीक है, ट्राई करके देखना कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इधर इधर जाएगा तो निगेटिव वाला डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, तो हर समय पी के ही डायरेक्शन में रहेगा एक्सिस पर। अब हम अगला बात करेंगे इक्वेटर पर, ये कॉपी कर लो पहले जल्दी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है बता दो, 2kp/r³ है ना, ठीक है। अगला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स इक्वेटर, इक्वेटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इक्वेटर क्या है, देखना ध्यान से, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, हाँ, हम बस ये जब पिक्चर सवाल है इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसके लिए हम इसके लेंथ को बहुत बड़ा दिखाते हैं, बट है नहीं, ये बात तो पता चल गया, ठीक है, और ये हो गया सेंटर, है ना, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, इसके इक्वेटर पर, है ना, हम एक काम करते, इधर प्लस कर लेते, इधर हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, तो हमको पता है पी वेक्टर क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ पी वेक्टर हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा पी वेक्टर, ठीक है। खैर, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, कहाँ बात कर रहे हैं, इस जगह पे। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं सेंटर से, ये जो एक्सिस है ये यहां से डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये हमको पता है कितना है, एल है, इधर भी एल है। अब हमको यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है निकालने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्लस वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकाला होगा, प्लस वाले ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में ऐसे निकाला होगा ना, अगर हम इसको यहां से मिला दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ऐसे निकला होगा, ठीक है, ये हो गया ई प्लस, प्लस वाले निकाला है, और माइनस वाले के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो हम इसको अपने तरफ दिखा देंगे ऐसे करके, जिसको हम ई माइनस कर देंगे। क्या इस दोनों का, यानी E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर वो सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, k q/r², तो k ठीक है, q ठीक है, और यहां से अगर डिस्टेंस क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए r का स्क्वायर भी सेम है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, देखो तो r का स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर का रूट है ना, r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर का रूट है, ये इधर भी आएगा इधर भी आएगा, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल है थीटा, है ना, थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा पहले बताओ, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इधर की तरफ आने वाला है ना, इधर ही आया, तो अगर दो वेक्टर सेम होता है तो रिजल्टेंट उसके मिडवे से पास कर जाता और उसका वैल्यू होता है 2e cos θ/2। हमको बेसिकली जानना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। अब बताओ ये थीटा है ना थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, टोटल एंगल कितना हो गया 2θ, ये हो गया 2θ, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना आ जाएगा 2e cos, टोटल एंगल है 2θ/2, ठीक है। अगर दो वेक्टर सेम होता है, अगर दो वेक्टर ये है f और ये भी है f, तो इसका रिजल्टेंट क्या बताए थे, एक पैरेललोग्राम बना लो, इधर की तरफ आ जाएगा और इसके बीच का एंगल है थीटा, ये जो वैल्यू जाएगा क्या लिखेंगे 2f cos टोटल एंगल थीटा का आधा। उसी तरह से यहां पर भी दोनों का e है, 2e cos टोटल एंगल यहां बना 2θ,
इसे 2 थीटा का आधा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा ये, तो 2e cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये बन गया हमारा 2e cos थीटा। बस उसे सॉल्व कर लेना, हो गया हमारा काम। ठीक है, जो e नेट आ रहा है वेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो ये देखो p वेक्टर के अपोजिट आ रहा है, p वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, इट इज पहले ही लिख लूंगा ना, अपोजिट ऑफ p वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू 2e cos थीटा। e क्या है, k, e क्या है, ये है ना e, e इसका वैल्यू क्या लिखोगे, k q अपॉन ये जैसे होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाए, सिंपल k अपॉन r स्क्वायर, यानी k q अपॉन r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। और cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या दिख रहा है l, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, यही रूट ओवर r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। अच्छा देखो k q 2l तो ऊपर में दिख रहा है, k q इंटू एल इंटू टू, ये p लिख देगा सीधा, और नीचे में हम क्या बोल देंगे कि यहां पर देखो ध्यान से कि आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल, देखो एल अगर छोटा है तो एल का स्क्वायर तो और छोटा होगा जी, है ना, एल ही हमारा बहुत छोटा है तो एल का स्क्वायर है ना, एल इज स्मॉल तो एल का स्क्वायर तो और जीरो का अप्रोच करने लगा, मतलब 10^-12 मीटर के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और इसका स्क्वायर कर दिए तो -24 हो गया, ये तो और छोटा हो गया, अगर ये छोटा है -12 छोटा है तो -24 तो और छोटा होगा, वो तो जीरो के आसपास में हो जाएगा, इसलिए हम एल स्क्वायर को जीरो मान रहे हैं ना, इसको हम क्या कर रहे हैं जीरो, ये भी जीरो, यहाँ क्या दिख रहा है आर स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है सिर्फ आर, तो रूट में है, तो यहाँ क्या दिखा जा सकते के पी अपॉन आर का क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस सॉरी इक्वेटर, इक्वेटर मतलब क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ना, ये वाला हिस्सा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया के पी अपॉन आर का क्यूब, और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब है। एक बात ऑब्जर्व करो कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड था 2kp/r³, और इक्वेटर पर रह गया है सिर्फ आधा, है ना, एक्सिस पर ज्यादा है इधर कम है, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से जैसे इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जा रहा है ना, इधर की तरफ कम दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बैठा दिमाग बात, ओके कॉपी कर लो। तो एक छोटा सा बात ऑब्जर्वेशन की तरफ दिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 times ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर आ रहा है, लिख लो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, कुछ था नहीं इसमें, है ना, ये सब सवाल तो हम लोग खूब बनाते हैं, कूलम्स लॉ में खूब बनाए हैं, कुछ तो बचा नहीं इसमें, है ना, बस है हम लोग पता है, बस डायपोल के कारण भी निकाल दिए, है ना, थोड़ा एक अप्रोक्सीमेशन लग रहा है स्क्वायर वगैरह, और कुछ नहीं, छाप लो। इस पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनी पॉइंट का या एनी पोजीशन का, उसको बस देखना और इमेजिन करना कि हम कैसे कैसे चीजों कर रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्योंकि उस पर तुम लोग सवाल भी डील कर सकते हो आगे जा करके, है ना, थोड़ा बस समझना बात को कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम क्या बोले हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक डायपोल है, ये पहचाना, मतलब समझ में आ रहा, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, फील कर लो यहां से, हम इसको कर रहे हैं पी वेक्टर, ये ओरिजिन है और ये पी वेक्टर, हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, है ना, किसी भी जगह पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हम पी वेक्टर को हम यहाँ कर लेते हैं, ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा पी वेक्टर, हम इस जगह पे बात करना चाहते हैं या यहाँ दिखा देते हैं ऐसे, यहाँ पर इस जगह पे, मतलब अभी हम लोग एक्सिस पर निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन यहाँ पर निकाले थे, अब हम किसी भी जगह पर निकालना चाहते हैं, और ये जो जगह है ये डिस्टेंस है इसका आर, और ये एंगल है थीटा, ठीक है, आर है और ये एंगल थीटा, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हम दिमाग है ना, हमारे पास दिमाग है भर भर करके, इंसान होमो सेपियंस है, हमने क्या किया, ये जो पी वेक्टर बन रहा है ना, ये पी वेक्टर बन रहा है, हमने इसको तोड़ दिया 2 हिस्से में, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दैट ओ एंड दैट पी, पी नहीं करते छोड़ो, मतलब हम कहा दे रहे हैं इस जो वेक्टर को हमने इधर की तरह तोड़ लिया, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तोड़ लेते हैं, क्योंकि एक वेक्टर को तो रिजोल्यूट कर सकते हैं, है ना, रिजोल्यूशन मतलब बेसिकली 2 perpendicular लाइन एक्सिस में तोड़ सकते हैं, तो हमने पी वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ दिया ना, परपेंडिकुलर एक बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो एक हिस्सा जो इधर टूटा वो क्या बनेगा, पी का कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर है, ये क्या हो जाएगा पी
कॉस थीटा बनेगा। एक हम कह देते अब मेरे पास डायपोल दो है, एक डायपोल ये है जो टूट करके अब दो बना रहा है, एक इधर और एक इधर, जो इधर बना रहा है ऐसे बनेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक अब मेरे पास कितना डायपोल दिख रहा है, दो, एक एक जो हमने तोड़ दिया, एक इधर और एक इधर, है ना, कितने डायपोल दिखे, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास ये डायपोल नहीं है, अब सिर्फ एक ये वाला है और ये वाला, हम इस दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकाल करके वेक्टर सम करके छोड़ देंगे। ध्यान सुनना हम क्या बोलने वाले हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहली बात तो देखो ये डायपोल है, फिर इसको भूल जाओ, अब ये तो है ही नहीं, दो बना था इसमें, हम इसको भी छोड़ देना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं ये वाले को इमेजिन करना। अभी क्या सीखा है कि डायपोल ऐसे रहता है तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, ई एक्सिस का क्या वैल्यू बताते, 2kp/r का क्यूब बताए थे, और अगर यही डायपोल है ऐसे इसके इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे बनता था, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डायपोल मोमेंट, अगर पी वेक्टर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा अपोजिट टू पी वेक्टर। जब पीछे का सेक्शन दिखाए थे उसमें क्या दिखाए थे, ध्यान सुनो, पीछे का सेक्शन जब हम बता रहे थे उसमें दिखाए थे कि पी वेक्टर हमारा ऐसे था, तब ना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इधर की तरफ बना था इक्वेटर पर, है ना, तो ई इक्वेटर क्या हो जाएगा यहां से kp/r का क्यूब, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट एक्सिस पर आ रहा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा और उसका हो जाएगा ई एक्सिस, हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके कारण ये परपेंडिकुलर, ये जो डायपोल है इसके ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है ये पॉइंट, तो क्या होगा अपोजिट, है ना, पी इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट बनेगा इधर की तरफ ऐसे, है ना, इसको कह देंगे ई इक्वेटर। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, या थोड़ा हमको हटाना पड़ा है, लाइट थोड़ा कम आगे होगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, ई इक्वेटर हमने इधर की तरफ कर दिया, ये क्यों किया, क्योंकि एक डायपोल इधर है इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट बन रहा है, ये तो इसके परपेंडिकुलर ये बना है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय उसके इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर की तरफ आएगा, इसको हम कह देंगे ई नेट, कह देंगे ई नेट, आई बस हमें योग्य ई नेट, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना दोनों, ई नेट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर का रूट, है ना, रूट ओवर क्या हो जाएगा, ई एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस में ई इक्वेटर का होल स्क्वायर, है ना। तो पहले हम लिख लेते ई एक्सिस है कितना, ई एक्सिस कितना हो गया, क्या होता है 2kp/r का क्यूब होता है, तो क्या लिखते हैं 2 लिख देते हैं, k लिख देते हैं, और p क्या है, एक्सिस वाले के लिए p का नाम तो p का cos थीटा है, ध्यान सुनना यहां से मेरी बात को, p का नाम क्या हो जाएगा, p cos थीटा by r का क्यूब ही रहेगा, क्योंकि r तो वही है। अभी देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट पर इस एक्सिस के लिए, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जिसके लिए डायपोल तो यही है ना, p cos थीटा, ना p cos थीटा लिख दे, बाकी तो वही दिखे। सिमिलरली ई इक्वेटर क्या लिखाएगा, kp/r का क्यूब, यानी k और p, तो इस बार p sin थीटा है, इसमें p sin थीटा अपॉन r का क्यूब लिख दिए, तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ओवर e इक्वेटर का होल स्क्वायर और e एक्सिस का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, पुट कर देते हैं, तो क्या दिख रहा है e इक्वेटर के जगह पे, kp sin थीटा अपॉन r का क्यूब का होल स्क्वायर, यार क्यूब लिख दिए हैं, अब प्लस में 2kp cos थीटा अपॉन r का क्यूब का होल स्क्वायर। यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है बाहर में, kp अपॉन r का क्यूब तो दोनों में है, वो बाहर ही आ जाएगा सीधे, kp अपॉन r का क्यूब बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा दिख गया, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा यहां पर टूट जा 4 cos स्क्वायर थीटा, एक चीज तो हम पढ़े sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, पढ़े ना, ओके,
ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ फोर का कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें काम करते एक कॉस इसको दे देते हैं, बाकी तीन कॉस छोड़ देते हैं, बोलते रहने दो तुम अपने पास। के पी अपॉन आर का क्यूब दिख रहा है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस में थ्री कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो गया, ना ये वन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहाँ से, के पी अपॉन आर का क्यूब रूट ओवर थ्री कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस में वन, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो ये नेट आया है वो इतना हो गया, कितना आया, के पी अपॉन आर का क्यूब थ्री कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस में वन। अब एक चीज और उनके बारे में बात करते हैं, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, बता ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, और अगर मान लेते हैं ये एंगल हमारा अल्फा है तो टेन अल्फा के बारे में क्या ख्याल है, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इक्वेटर अपॉन ई एक्सिस, है ना, और ई इक्वेटर का वैल्यू कितना है देख लो, के पी साइन थीटा बाय आर का क्यूब है, है ना, यहां से क्या लिख सकते हैं, के पी साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब अपॉन क्या लिख देंगे, टू के पी कॉस थीटा बाय आर का क्यूब, के पी आर का क्यूब खत्म हो गया, क्या बचा, साइन बाय कॉस टेन हो गया, यानी कि टेन थीटा बाय टू, ये हो गया हमारे पास टेन अल्फा। ठीक है, तो यहां से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो क्या लिखेगा कि टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, यहां तक कॉपी कर लो फिर हम आगे बात करते हैं, जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, हम क्या किए हैं, कॉपी करते जाओ और सुनते भी जाओ, एक डायपोल था उसको हमने दो पीस में तोड़ दिया है, लेग पीस पे नहीं तोड़े हैं, दो वेक्टर में तोड़ दिए, है ना, एक जो वेक्टर था वो ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, इसके कारण तो भाई यहां पर इधर ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट बन गया, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, क्योंकि हम ऑलरेडी दोनों के वैल्यूज जानते थे, हमने दोनों को 2kp / r³ और kp / r³ के रूप में पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अगेन हम दूसरा काम किए हैं कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, हम निकालना चाहते हैं बेसिकली टोटल एंगल इसने कितना सबटेंड किया है, तो अगर हम यहां से लिख दें टोटल एंगल फ्रॉम एक्सिस, तो वो तो हो जाएगा हमारे पास थीटा प्लस में अल्फा, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है ना जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही आया ना, इसका एक्सिस से कितना एंगल बना, थीटा प्लस में अल्फा, तो थीटा तो ठीक है ठाक है, अल्फा का वैल्यू क्या लिखोगे, अरे वो समझ, थीटा तो ठीक है ठाक है, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स टैन थीटा बाय टू, आए समझ में, कॉपी कर लो। हम बेसिकली अभी क्या निकाल रहे हैं उसको थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है ना, हम क्या बोले थे कि भाई हमारे पास ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, है ना, माइनस क्यू चार्ज और ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एक बात बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, तो माइनस से प्लस की तरफ ऐसे दिखाते थे, माइनस से प्लस की तरफ ऐसे, फिर ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा यहां पर से, ये ऐसे आ जाएगा इसमें, ठीक है, और माइनस में आ रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, है ना, प्लस में से निकल रहा होता है ऐसे, ये हम लोग जानते हैं, है ना, तो देख लो आप ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस देखो किधर की तरफ है, देखो पी वेक्टर तो हमारा इधर ही है, इमेजिन करना ध्यान से, पी वेक्टर तो भाई हमारा माइनस से प्लस यानी सेंटर लाइन से इधर ही आ रहा है पी वेक्टर हमारा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस किधर की तरफ आ रहा है ना, इधर की तरफ, एक्सिस से दूर की तरफ, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रहा है, देखो ध्यान से जो हम पहले बता चुके हैं, अगर परपेंडिकुलर लाइन पर बात किया जाए ना, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा तो देखो पी वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर जगह पे इधर है परपेंडिकुलर, अपोजिट टू द पी वेक्टर, है ना, अपोजिट टू द पी वेक्टर, अभी आ रहा समझ में, लेकिन हम बात कर रहे थे किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं या यहां बात कर रहे हैं, है ना, इस जगह पे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर की तरफ, इधर है ना, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू कितना है वही निकाल रहे हैं अभी, इसका वैल्यू क्या निकाल रहे हैं हम, के पी अपॉन, है ना, के पी अपॉन आर का क्यूब रूट ओवर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ऐसे
और इसका एंगल कितना हो गया हॉरिजॉन्टल से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया थीटा प्लस में अल्फा, कितना हो गया थीटा प्लस में अल्फा। अब क्लियर हुआ पूरा पिक्चर, आगे कभी कर लो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद समझ में आएगा, जल्दी से कॉपी करो ये पिक्चर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करने की कोशिश करना जल्दी से। क्या कह रहा है कि किस थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा पी वेक्टर के, ये कह रहा है ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बोल दें कि ये हमारा पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर है, तो हम मान लेते हैं किसी भी जगह पर, यहां पर इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कह रहा है परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे पी वेक्टर है इसे इसके परपेंडिकुलर, यानी जो टोटल एंगल बने वो 90 डिग्री हो जाए। ध्यान सुनो मेरी बात को, क्या कह रहा था ये बताओ, ये थीटा बताओ जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाए पी वेक्टर के, पी वेक्टर ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो बेसिकली क्या दिया है ये थीटा प्लस में अल्फा दोनों दे दिया है कि 90 डिग्री है ना, ये ना दिया हुआ या इसका मतलब यही ना हुआ गिवन हमको भाई थीटा प्लस में अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा तो ठीक ठाक है, अल्फा का वैल्यू अभी तुरंत निकाले थे टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री निकाले थे क्या पीछे, ये निकालते टोटल चीज, तो टैन इनवर्स टैन थीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, टैन इनवर्स को भी उधर भेज देते हैं, यहां से दिख रहा है हमको टैन थीटा बाई टू इक्वल टू टैन 90 माइनस में थीटा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कॉट थीटा है ना, यहां हो गया हमारे पास टैन थीटा बाई टू, ये हो जाएगा 1/10 थीटा यानी कि 10 का स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 2, तो टेन थीटा का वैल्यू गया रूट टू, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया टैन इनवर्स रूट टू जिसका वैल्यू आएगा 55 डिग्री के आसपास में, याद कर लो डेटा बस ऐसे याद रखना है, यानी कि 55 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा पी वेक्टर के, ये जानना चाह रहा था ये बेसिकली ठीक है। और टेन थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है रूट टू ठीक है, अगर हम यहां से कोऑर्डिनेट भी बताना चाहें तो देख लो कोऑर्डिनेट क्या, टेन थीटा का वैल्यू वाई अपॉन एक्स होता है ना, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा रूट टू, तो हम इसके हिसाब से बात कर सकते हैं 1√2 या फिर 2 और 2√2 तो कट जाएगा ना, तो मल्टीपल के रूप में आएगा, नहीं इस दोनों के ही मल्टीपल में आना चाहिए, टेन थीटा का होता है ना जी वाई अपॉन एक्स, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पर क्या लिखते हैं एक्स ये होता है ये वाई होता है, ये थीटा होता है टेन थीटा क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स है ना, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया ठीक है, समझ आया कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर, बस एक चीज और दिखा देते हैं तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, अभी अभी बताए हैं कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इधर हमारा माइनस क्यू चार्ज है ना, अभी तुरंत बताया माइनस प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ऐसे ऐसे ड्रॉप गियर थे ना अभी ऐसे ठीक है, और प्लस से बाहर की तरफ माइनस में आता है ऐसे इलेक्ट्रिक अभी ड्रॉ किए और हम लोग को पता भी है कम से कम इतना बात, अभी पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था कि उस जगह बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग लोग परपेंडिकुलर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है ना यहां पर इस जगह पे, तो ये वही जगह है जहां पर कि थीटा का वैल्यू 55 डिग्री होगा, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा पी वेक्टर के, यही हम निकालना चाह रहे थे ठीक है, वो इधर भी होगा सिमिलरली, ये जब आ रहा होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, फील हुआ इधर भी 55 डिग्री पर होगा ठीक है, सिमिलरली इधर भी होगा है ना, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो कहीं पर तो ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है ऐसे, तो ये थीटा आ गया 55 डिग्री ठीक है, आया आप समझ में, जो कि हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है यहां पर 90 डिग्री और यहां पर 55 डिग्री, अब फील हुआ होगा ठीक है, तो कह रहे थे कि वही सवाल की किस जगह पर या किस एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है पी वेक्टर के, है ना, पी वेक्टर हमारा माइनस था यहां पर तो माइनस से प्लस की तरफ ये आ रहा है पी वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा है ठीक है, समझ में आया बात, कभी कर लो अब ठीक ठीक है, ये सवाल लिटरली थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट टाइप का हो जाता है, कैसे ये चीजें ठीक है, हाँ तो अब हजम होना चाहिए चीजें है ना, ओके।
अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक डैपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सपोज कर लेते हैं मेरे पास ये रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। और इसमें हमने एक डैपोल को रख दिया, डैपोल देखो कैसे रखे हैं, ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक है। और यहां पर हम रख दिया प्लस क्यू चार्ज, यहां पर रख दिया माइनस में क्यू चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बीच का डिस्टेंस को पता है टोटल डिस्टेंस 2L है, और P वेक्टर किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, इधर ही होता है P वेक्टर हमारा, ये हो गया हमारा P वेक्टर, ठीक है, लिख नहीं रहे पता है हम लोग को। अब एक चीज बताओ कि यहां पर अगर प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा जिसका नाम क्या लिख दोगे, क्यू ही लिख दोगे, है ना। माइनस वाले पर इधर की तरफ खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्यू ही लिख दोगे, यानी कि बेसिकली दो फोर्स हमको दिख रहा है ना। और अगर हम बोल दें कि ये हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर है, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये 12 है, तो 12 का कॉस थीटा ये बनेगा, और ये डिस्टेंस क्या 12 का साइन थीटा, ठीक है। तो हमको अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये लेंथ हो गया हमारे पास 12 साइन थीटा, इधर की तरफ फोर्स दिख रहा है क्यू ई, इधर की तरफ फोर्स दिख रहा है क्यू ई, यानी कि दो फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स दिख रहा है, और डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो हम इसे कारण से कह सकते हैं यहां पर मोमेंट तैयार होगा, है ना, इसको फोर्स कपल कहते हैं। तो फोर्स कपल के कारण ये दोनों का दोनों घूमने लगेगा, यानी कि टॉर्क जनरेट होगा, है ना, इस पॉइंट के अबाउट ये घूमने लगेगा, अब टॉर्क जनरेट होगा। तो यहां पर क्या देखें, टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो हमारा होगा फोर्स कपल के बराबर। तो फोर्स कपल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एप्लीकेशन फोर्सेस, है ना। तो सीधा सीधा उतना क्या होगा, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर, दोनों के बीच क्या है 2L साइन थीटा, है ना, ये हो गया टॉर्क, इज इट ओके। तो टॉर्क बराबर, अच्छा तो Q इंटू 12 तो P होता है, क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, है ना, ये हो गया हमारा टॉर्क। अच्छा इसको तो टॉर्क भी वेक्टर है, पी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है, तो थोड़ा इसको लिख सकते हैं क्या कुछ पी क्रॉस ई टाइप का, तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। और देखो ध्यान से, अगर हम लिखें पी ऐसे वेक्टर है और ई ऐसे है, तो पी क्रॉस ई करेंगे तो रोटेशन हमको ऐसे दिख रहा है और सही में ऐसे ही, तो पी क्रॉस ई ही सेटिस्फाई कर रहा है सिचुएशन को। तो टॉर्क वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, ठीक है, ये हो गया टॉर्क जनरेट हो रहा है यहां पर। अब हम तीन बात के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टॉर्क लग रहा है ये घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, हम इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, कब नहीं घूमेगा, कब मैक्सिमम रोटेट करेगा, इन सब सिचुएशन के आगे तभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम। तो पहला इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानते हैं स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो पता है टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा, इक्विलिब्रियम मतलब ही होता है टॉर्क नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फोर्स तो ऐसे भी नहीं लग रहा है, इतने तो ट्रांसलेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतने फोर्स इधर लग रहा, ट्रांसलेट तो करेगा ही नहीं, तो रोटेशन भी नहीं करना चाहिए, यहां पर रोटेशन की बात नहीं करेंगे। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, स्टेबल होना है इसको कैसा लगाते हैं, तो हम थीटा का वैल्यू जीरो लिखते हैं क्या, देखो ध्यान से, थीटा का वैल्यू जीरो लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और पी वेक्टर भी हमारा इधर, तो हम कह देंगे इस कंडीशन में ये ऐसे आ जाएगा, तो क्यू इधर खींच रहा होगा माइनस क्यू इधर खींच रहा होगा, तो बीच में जाकर अकड़ जाएगा ऐसे करके, ना कहीं नहीं खींचाएगा, ये हमारा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, कोई दिक्कत है ना, चलो ठीक है। सेकेंड हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, इस कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा, तो साइन 180 का वैल्यू टॉर्क जीरो ही आएगा, और इस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाएगा पी वेक्टर के। अब देखना ध्यान से इस सिचुएशन को फील करना, कि यहां प्लस चार्ज है और यहां माइनस चार्ज है, माइनस वाले के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, प्लस वाले ऐसे फोर्स, थोड़ा सा भी किसी ने ऐसे हिलाया तो भंड से ऐसे घूम जाएगा, ये थोड़ा सा भी किसी ने ऐसे हिलाया, यहां पर ऐसे फोर्स लग रहा है और यहां पर ऐसे फोर्स लग रहा है, इसको ऐसे कर घुमा देगा सीधे, इस जगह पर लेके चला आएगा, यहां पर हमको अनस्टेबिलिटी दिख रहा है ना, इसीलिए हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द पी वेक्टर, और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ में आया बात। और टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा,
टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, जब साइन का थीटा का वैल्यू बड़ी हो जाएगा ना। टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू क्या लिखोगे, पी बस, और तो कुछ लिखेंगे, साइन 90 बन जाता है। कॉपी करो, अभी हम लोगों ने सीखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो जैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम आया दिमाग में बैठा लोगे ऐसे चम का केस लगा देना है तुरंत। तो हमको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है, जब हम ऐसे रखेंगे पी वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यही हो गया हमारा पी वेक्टर। लेकिन अगर हम एक काम करते इससे थोड़ा सा भी, अगर हम किसी एंगल पर इसको थोड़ा सा स्लाइट थीटा से हम आगे बढ़ाते हैं पी वेक्टर को, यहां करते हैं ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, क्यू ऐसे लग रहा होगा ठीक है, इस पर तो क्यों ऐसे लग रहा, ये चाहेगा इसको ऐसे कर घुमाते हैं ना, इसको फिर से वापस लाना चाहेगा, या समझ आ रहा। तो इसमें एक टॉर्क जेनरेट हो जाएगा ऐसे कर, ऐसे घुमाने के लिए। तो हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता है क्या होता है, आई इंटू अल्फा, पढ़े पढ़े ना, टॉर्क बराबर, टॉर्क यहां क्या लग रहा होगा, पीई साइन थीटा, पढ़े है ना, पीई साइन थीटा, किसी भी छोटा एंगल है आई इंटू अल्फा लिखोगे। और अगर साइन थीटा हम जानते हैं थीटा जो है हमारा स्मॉल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसएचएम के बारे में, एसएचएम के लिए थीटा स्मॉल कर लेंगे, तो क्या लिख देंगे यहां से, पीई थीटा इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इज इट ओके। तो अल्फा का वैल्यू क्या लिखोगे, पीई अपॉन आई इंटू थीटा, और ये हो गया तुम्हारा एंगुलर एसएचएम का केस, जिसमें हम कहते हैं अल्फा बराबर होता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ये हो गया हमारा एंगुलर एसएचएम। यहां साफ दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर की जगह पे पीई अपॉन आई गया, क्या दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे पीई अपॉन आई, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर पीई अपॉन आई है ना ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, और टू पाई अपॉन टी लिख सकते हैं ना, टू पाई अपॉन टी का वैल्यू रूट ओवर पीई अपॉन आई। तो यहां से अगर हम टाइम पीरियड के बारे में देखें तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पीई, कोई दिक्कत है। और अगर हम कह देंगे यहां पर दोनों का दोनों मास अगर m है, या फिर रॉड दे दिया है ना, अगर यहां पर एक m दे दिया यहां पर m दे दिया, तो क्या लिखोगे है ना, पहले लिख लो, हम दो तीन कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड कितना आया, आई अपॉन पीई है ना, सबको जल्दी से, इस दोनों ही कंडीशन में टाइम पीरियड निकालना है। तो हमको पता है टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पीई ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट ओवर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, अबाउट दिस एक्सिस एम एल स्क्वायर और एम एल स्क्वायर है ना, तो बेसिकली क्या, नहीं समझ रहा बात, इसके अबाउट एम इंटू यहां से डिस्टेंस एल है, तो एम एल स्क्वायर लिखोगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर होता है ना, इसका हो गया एम एल स्क्वायर और ये वी एम एल स्क्वायर, यानी हो गया 2 एम एल स्क्वायर अपॉन पी है ना, और पी के जगह पे क्या लिखोगे, क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस 2L और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी ई है, एल से एल खत्म हो गया, 2 से 2 भी खत्म हो गया, यहां से 2 पाई का जगह क्या आ गया, एम एल अपॉन क्यू है ना, क्या जी लग तो रहा है ना। अब यहां पर एक रॉड है ना, ये क्या है, रॉड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इसके अबाउट आई ऑफ रॉड एम एल स्क्वायर बाय 12 है ना, तो ये पुट कर लेना आई के जगह पे ठीक है, और बाकी तो पी के जगह पे पुट कर भी करोगे क्यू इंटू 12 पुट करके निकल जाएगा, सेम पुट कर लेना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ टाइम पीरियड आ जाएगा, क्या हम बनाते हैं इतना बेकार समझ के रखे उनको, हाँ हाँ। इस बार जो है सिग्मा है इसका चार्ज दिया हुआ, पूरे में प्लस चार्ज है, और ये हॉलो है ठीक है, हॉलो हेमिस्फेरिकल सेल है, इसके कारण यहां पर एक यहां सेंटर पर इधर की तरफ एक डायपोल को रख दिया गया है। तो कह रहा है इसको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहां पर, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 लिखाए थे ठीक है, हॉलो का प्रूफ भी करवाए थे, तो ये याद रखना था यहां पर ठीक है। तब हमको पता है दोनों का दोनों साथ नहीं है, तो टॉर्क क्या लिखोगे, हाँ पीई साइन थीटा इक्वल टू आई इंटू अल्फा, सेम चीज लिखोगे ना, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या लिखो, सीधे से हम लिखते हैं 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पी
है ना, तो 2 पाई रूट ओवर आई तक तो ठीक है ठाक है, पी भी ठीक है ठाक है, ई के जगह पे क्या लिख देना सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रहेंगे उतना ही ज्यादा इजी तरीके से सवाल बन जाएगा, ठीक है, और तभी तुम लोग नया सवाल भी टैकल कर सकते हो। नया सवाल में नई चीजें होंगी, नया इंटीग्रेशन डिफरेंशियल लगाओ, वहां पर एफर्ट लगाओ, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट आ चुका है उसको याद रख लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे तो बहुत बड़ा सेक्शन अभी है। ठीक है, अगला हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्यादा बात हो गया है ना, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, है ना, एट सीधे निकाल लेते हैं एनी पोजिशन, एनी पोजिशन, ठीक है, किसी भी जगह पे पोटेंशियल निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका जो है वह हम एनसीईआरटी बेस की रखे हैं और वही सबसे इजी भी हमको लगा था, इसे तो ध्यान से बस लिख लो, और हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के ओपन आर, है ना, बस वही लगाना है, लेकिन थोड़ा दिमाग में रखना है चीजों को। ठीक है, बोर्ड में आएगा, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यही हमारा डायपोल, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही दिखा रहे हैं, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और किसी भी जगह पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा बड़ा, ठीक है, यहाँ पर इसे थोड़ा और बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब ये हो गया हमारा पी वेक्टर, ऐसे माइनस से प्लस की तरफ, ये हो गया हमारा पी वेक्टर, और ये हो गया आर, ठीक है, हम कुछ नाम दे देते हैं, ओ इसका नाम देते हैं, ए इसका नाम देते हैं, बी इसका नाम देते हैं, पी नहीं देते हैं, इसका नाम देते हैं आर, ठीक है, और हमको निकालना है यहां पर पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारे पास क्या दिख रहा है, दो चार्ज है दोनों का के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे आर, फिर इसका भी के क्यू अपॉन आर निकाल के सीधा जोड़ देना, क्योंकि ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, सीधा ऐड करना है, इसको कुछ तो करना है नहीं, ये बस हमारा, ओह गॉड इतना पसीना, क्या होगा इस देश को, चलो ठीक है, ठीक है, हमें ऐसे मिला दिया, ये एंगल है हमारा थीटा, है ना, और हमको निकालना है ये डिस्टेंस आर वन कर देते हैं इसको, इसको डिस्टेंस आर टू कर देते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना, ठीक है, हमको ये आर वन नहीं पता और आर टू नहीं पता, लेकिन हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ये छोटा डिस्टेंस है और ये आर बहुत बड़ा है, ठीक है, स्मॉल आर जो है वो बहुत बहुत बड़ा है 12 से, और हमको पता है ये डिस्टेंस एल है, हम एक काम करते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ध्यान से अब देखना यहीं पर सारा खेल है, हमको आर वन और आर टू निकालना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर दिए इसे, ठीक है, और उसी तरह से यहां से भी एक परपेंडिकुलर इधर बढ़ा करके इसको हम ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, अब बता दो ये लेंथ क्या था, एल था, और ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये लेंथ क्या बचेगा, एल का कॉस थीटा बनेगा, अगर ये एल है ये लेंथ क्या होगा, एल का कॉस थीटा, सिमिलरली ये भी होगा हमारा एल का कॉस थीटा, ये भी लेंथ, ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, आर वन जो है इसको हमारा जो आर वन आ रहा है, आर वन ये डिस्टेंस है ना, इस पर ए बी सी डी भी कचरा हटा ही देते हैं, दिमाग खराब करो, इसको फायदा है नहीं, गंदा ही लगेगा, इसलिए इसको हटाइए, तो एनसीईआरटी कर रहा था, है ना, हम कह रहे, देखो ये जो R1 है ये लगभग लगभग इसके बराबर है क्या, बस यही छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है, R1 जो है ये होशियारी हम नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी किया है, इसलिए हमको मेरे ऊपर कोई दोष नहीं देना, ठीक है, R1 जो है लगभग लगभग लग रहा है यहाँ से तक डिस्टेंस है, ठीक है, तो बस हम यही लिख रहे हैं, और यहाँ से तक डिस्टेंस क्या आर है क्या, और ये हो गया आर प्लस में साइन कॉस थीटा, तो आर वन जो हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली आर प्लस में एल कॉस थीटा, सिमिलरली R2 के बारे में क्या ख्याल है, R2 देखो तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस क्या लगभग लगभग इसके बराबर है, लगभग, ठीक है, ये जो R माइनस में L cos थीटा, R माइनस में L cos थीटा, ठीक है, बाकी तुमको कुछ नहीं चाहिए था, पोटेंशियल दिखाते के लिए क्या लिखें, K इसका चार्ज है माइनस क्यू अपॉन यहां से डिस्टेंस R1 प्लस में इसका चार्ज है क्यू अपॉन R2, है ना, लिख देना बस खत्म हो गया, तो क्या लिखेंगे, के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन आर वन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ रहा है,
वन अपॉन आर वन के जगह पे आर प्लस में एल कॉस थीटा माइनस में आर प्लस नहीं माइनस में एल कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, छाप लो पहले यहां तक, फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। छापो जल्दी जल्दी, हम बस थोड़ा के क्यू ले लेते हैं, यहां से एलसीएम लेंगे तो हमको दिख रहा है आर प्लस में एल कॉस थीटा और आर माइनस में एल कॉस थीटा, है ना, और ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। यहां दिख रहा है आर माइनस में एल कॉस थीटा माइनस में आर माइनस में एल कॉस थीटा, है ना, ये आ गया। तो देखो आर से आर तो खत्म हो गया, एल हम नीचे वाले को बोले थे कि बहुत छोटा है इसलिए एल को भी हटा दो, तो बचा आर इन आर प्लस में आर, यानी टू आर हो गया। यहां से हो गया के क्यू और माइनस में टूएल्व साइन टूएल्व कॉस थीटा हो गया, माइनस में टूएल्व कॉस थीटा हो गया अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल वहां पर। छाप लो पहले जल्दी से, इधर का छाप लिए ये पिक्चर, है ना। अच्छा क्यू इंटू ट्वेल्व तो पी होता है ना जी, वही तो आ गया, कुछ था नहीं, इरेज कर देना इसको। तो Q इंटू ट्वेल्व हो गया हमारा P, तो KP cos थीटा बाय आर का स्क्वायर हो गया ना, तो पोटेंशियल जो आ रहा है माइनस में KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये एट एनी पोजीशन हो गया। अगर हम यहीं से कर देंगे बी एट एक्सिस क्या होगा, एक्सिस के लिए थीटा का वैल्यू जीरो लिखेंगे क्या, है ना, थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे जीरो, तो क्या लिखोगे माइनस में KP अपॉन आर स्क्वायर, और बी इक्वेटर के लिए क्या लिखोगे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री जीरो, देखो कॉस 90 वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पर से निकाल लिए इसी फॉर्मूले में लगा करके, तो बेसिकली ये हो गया हमारा पोटेंशियल। ठीक है, छाप लो जल्दी से, चलिए छापो। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आज बहुत ज्यादा टॉपिक खींचा गया क्या जी, खत्म ही कर देना है, कुछ है नहीं, छोटे छोटे चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से। ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना दिन तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ते रहोगे, कल से कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। रोटेशन के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर वर्क के बारे में बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रोटेशन के बारे में बात हो रहा है, टॉर्क तो लग रहा होगा, है ना जी। ठीक है, टॉर्क के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं अभी तुरंत, टॉर्क का वैल्यू क्या था पी क्रॉस ई, है ना। तो अगर हम बोल दें एक डायपोल है, यही हमारा डायपोल, ठीक है, तो शुरुआत में जब डायपोल था तो किसी हम जगह पर हम मान लेते हैं कि ये डायपोल है, किसी थीटा वन पोजिशन पे है, है ना, शुरुआत में। ठीक है, और हम घुमाते हुए हम थीटा टू पोजीशन तक लेके गए, ठीक है, थीटा वन से थीटा टू पोजीशन तक लेके गए, ये पी वेक्टर है हमारा। ठीक है, और ये सेंटर लाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डायपोल समझ रहा है, यहां से यहां तक बना होगा, इसे घुमा रहे हैं ना इसके एक्सिस के अबाउट, तो कितना टॉर्क लग रहा होगा, सॉरी कितना वर्क हुआ होगा, तो हम वर्क बराबर क्या ले सकते हैं, क्योंकि जब ये घूम रहा था तो इमेजिन करो किसी थीटा पर ही पहुंचा होगा, अगर थीटा वन से थीटा टू तक जा रहा है तो किसी थीटा पर ही पहुंचा होगा, और उस समय इस पर टॉर्क लग रहा होगा, क्या वर्क बराबर हम लिखते हैं, छोटा छोटा वर्क क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं क्या, तो फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टॉर्क की जगह पे और डी एक्स को डी थीटा लिख सकते हैं क्या, है ना, तो वर्क तो ऐसे भी डिफाइन हो सकता है, क्योंकि फोर्स की जगह पे टॉर्क आता है, डी एक्स की जगह पर जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखते हैं, ये जो ये भी हो जाएगा हमारा नेटवर्क। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से बात करेंगे, हमको टॉर्क पता है, तो डी डब्ल्यू जो आएगा वो क्या देगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, वर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, किसी जगह पे याद है ना, टॉर्क पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा वन से थीटा टू तक, तो पी हमारा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक PE हो गया, अपर लिमिट पुट कर लेंगे तो साफ दिख रहा है cos थीटा वन माइनस में cos थीटा टू हो जाएगा, ये हो गया हमारा वर्क डन, यानी कि थीटा वन से थीटा टू घूमने कितना कम हो गया। एक क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं, फाइंड जो फाइंड वर्क डन, ठीक है,
in rotating a dipole from पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन टू, छाप लो पहले, हम छाप ही रहते हैं इधर, कॉपी कर लो पहले। तो 1 2 3 स्टार्ट हो जाओ, कॉपी निकालो, पेन निकालो, थ्रा दे दो, वर्क करूंगा, मेरे साथ बना, जल्दी जल्दी बनाओ, स्टार्ट बना। वर्क का वैल्यू क्या होता है, पीई साइन सॉरी कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2 है ना, तो शुरुआत में है 0 डिग्री, यानी कि पीई कॉस 0 डिग्री माइनस में कॉस 180 डिग्री, ऐसे करेगा जी, दोनों मेरे से पहले बना देगा, ये हो गया माइनस 1, माइनस माइनस प्लस में 2 पीई हो जाएगा हमारे पास वर्क, पहले वाले का आंसर, ठीक है, दूसरे में जाएगा 180 से 0 डिग्री है ना, तो वर्क हो जाएगा यहां से पीई कॉस 180 डिग्री माइनस में कॉस 0 डिग्री है ना, तो पी कॉस 180 को माइनस 1 हो जाता है और ये कॉस 0 को 1 हो जाता है, यानी माइनस में 2 पीई हो गया। तीन नंबर, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पहुंचाना है, इस बार हम बनाए जी बन जाएगा ना, कॉस 30 को पता है ना सबको, छाप लो, बस सॉल्व हो गया ना, क्या ही बना दें, क्या बात कर, क्या दिन आ गया था हम लोग को, कॉस 90 डिग्री ये हो गया पी है ना। फोर नंबर में पी कॉस 30 कॉस 60 सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा छोटा टॉपिक है बस, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से सुनना, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को पसंद आएगा, ठीक है, अभी तक तो गौरी भरी चीज कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, यहां से कुछ पसंदीदा चीज होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, यह हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हम कह रहे हैं कि डाइपोल हमने ऐसे रख दिया, यहां पर माइनस क्यू है और यहां पर प्लस क्यू है, टोटल डिस्टेंस है 2L। एक चीज बताओ कि ये लाइन को हम अगर ऐसे एड्रेस करें तो ये लाइन क्या हो जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा क्या, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल कुछ हम मान लेते हैं V1 है ना, और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2 है, तो दिक्कत है, लेट कर लिए हैं V1 एंड V2 आर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं ना इसको, पोटेंशियल सरफेसेस, इस पूरे ही सरफेस पर हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो अगर हम कह दें अच्छा बता किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाता है, यानी V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा, तो V1 माइनस V2 जो होगा ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से कुछ कम हुआ है, कितना कम हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा E×D होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है यहां से का परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं थीटा है तो क्या हो जाएगा 2L cos थीटा हो जाएगा है ना, ये डिस्टेंस E×2L cos थीटा हो गया, ठीक है, V1 माइनस V2, ठीक है, हेंस डेल्टा V जो हो जाएगा वो V1 माइनस में V2 का वैल्यू क्या लिखेंगे E×2L cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब निकालना चाहते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी, इस सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, यू यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां का इंटरेक्शन एनर्जी कितना हो जाएगा Q×, यहां का इंटरेक्शन एनर्जी Q×V1 माइनस में Q×V1 लिखोगे, यहां का इंटरेक्शन एनर्जी Charge×Potential, यहां का इंटरेक्शन एनर्जी क्या लिखोगे, इसका चार्ज और इसका पोटेंशियल प्लस में Q×V2 लिखोगे ना, तो क्यू कॉमन आ गया यहां से, साफ दिख रहा है V2 माइनस V1 दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है V1 माइनस V2 तो माइनस लगा देते हैं, तो यहां से दिख रहा है माइनस में QE×2L cos थीटा, तो U बराबर क्या हो गया Q×2L P हो गया क्या, तो माइनस में PE cos थीटा हो गया, अरे ये तो डॉट प्रोडक्ट भी बनता है क्या, तो माइनस में
पी वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर आ गया हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए डायपोल। क्या हो गया इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है एकदम सिंपल था। फिर सुनो पहले हम क्या कॉन्सेप्ट लगा दिए। हम बोले भाई चार्ज यहां पर रखा हुआ है, चार्ज यहां रखा हुआ है, तो इस ये चार्ज यहां रखा तो हम इससे होकर के पास होने वाला इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए। फिर इसके परपेंडिकुलर या फिर इससे होकर के जाने वाला जो सरफेस था हमने उसका एक सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कंक्लूड किया। इसका पोटेंशियल नाम दिया वी टू, इसका नाम दिया वी वन। तो भाई पोटेंशियल नजदीक जाता है इलेक्ट्रिक के डायरेक्शन में जाता है, पोटेंशियल घट जाता है। तो यहां पर वी वन, तो वी वन से घट रहा है, कितना घट रहा है तो क्या लिखोगे ई इंटू एल लेंथ है ना, ई इंटू डी। अरे भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े थे ना ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है तो डेल्टा वी बराबर क्या ई इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर है ना टू एल कॉस थीटा, तो वही लिख दिया। यहां से आ गया अब इंटरेक्शन एनर्जी निकालना था, तो इसका इंटरेक्शन एनर्जी क्या लिखोगे, इसका चार्ज इंटू इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज और इसका पोटेंशियल दोनों को खाली जोड़ दिए हैं, सॉल्व किया हमारे पास आ गया माइनस पी डॉट ई। यहां रख लेना पी कॉस थीटा होता है। ठीक है जैसे वर्क होता है, वर्क क्या निकाले थे टॉर्क, क्या निकाले टॉर्क पी क्रॉस ई निकाले थे टॉर्क में, और यू क्या हो गया माइनस में पी डॉट। तो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, बस खत्म हो जाएगा इसके बाद है ना। देखो फोर्स निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सबसे पहला बात है कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं है नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ये हमारा होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए। ठीक है तो इस डायपोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा हमको इसका बारे में बात करना है। क्या हम U निकाल चुके हैं क्या, माइनस में पी ई कॉस थीटा बोल चुके हैं। ठीक है हम कहते हैं इफ थीटा अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि थीटा बहुत छोटा है ना, थीटा छोटा है, U बराबर क्या हो जाएगा माइनस में पी ई हो जाएगा है ना, अगर थीटा कॉस जीरो बोल बन जाता है। तो थीटा अगर छोटा है यानी कि इफ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पी वेक्टर, ठीक है इसके बारे में बात हो रहा है, तब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, नेट चार्ज जीरो है ये याद रखना है, तब भी फोर्स लग रहा है क्यों, क्योंकि सेपरेशन है आ रहे हो समझ में, हाँ और क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। हम फोर्स के बारे में हमको पता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहां फोर्स के बारे में, और जब हमको पोटेंशियल ये पता हो तो जानते हैं फोर्स क्या होता है माइनस में डी यू अपॉन डी आर, पढ़े ना ये बात पता है कि नहीं पता है, सबको पता है तो माइनस में डी यू अपॉन डी आर, तो माइनस में क्या लिखेंगे डी अपॉन डी आर ऑफ यू की जगह क्या लिखेंगे माइनस में पी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पी भी बाहर ही जाएगा क्योंकि पी तो डायपोल का चीज है, तो डी अपॉन डी आर हो जाएगा, यानी कि जो फोर्स लगा है वो हो गया हमारे पास पी इंटू डी अपॉन डी आर। ठीक है फोर्स कितना लग जाएगा इस डायपोल के ऊपर P टाइम्स ऑफ DE अपॉन DR, बस यही है। ठीक है एक दो सवाल कर लेते हैं खत्म हो जाएगा इसके बाद। पहला जो एक कॉन्सेप्ट ये सवाल ही है एक तरह से, ठीक है इसको ध्यान से बस समझ लो कि ये फोर्स निकालना है एक डायपोल पर दूसरे के कारण, यानी कि एक डायपोल ये रहा इसका हम वैल्यू कर देते हैं पी वन है, अब दूसरा डायपोल यहां है इसका वैल्यू कर रहे हैं पी टू है, तो इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगा ये निकाल के देखो। क्या हमको पता है फोर्स के बारे में, क्या होता है पी इंटू डी अपॉन डी आर होता है ना, तो हम एक काम करते हैं ये पी क्या होता है, हम ये पी होता है तो जब पीछे बता रहे तो बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये डायपोल है, डायपोल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दूसरे का है और डायपोल का मोमेंट है ये, यानी कि जिस डायपोल के ऊपर फोर्स लगना है उस डायपोल के सराउंडिंग में कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम एक काम करते हैं, यहां बोलते हैं हम इस डायपोल के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन डायपोल टू, इस पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो भाई इस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा, और ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक्सिस पर है ना, यानी कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सिस प्रोड्यूस्ड
बाय डाइपोल वन, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या लिखोगे भाई, डाइपोल टू के ऊपर फोर्स के बारे में बात करें तो डाइपोल टू का मोमेंटम लिखना पड़ेगा, मोमेंट पी टू लिखना पड़ेगा, और डी अपॉन डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना जनरेट किया है, टू के पी, हाँ टू के पी, याद है ना, टू के पी अपॉन आर का क्यूब पड़े ना, बस यही। तो टू के इसका है पी वन अपॉन आर का क्यूब, तो यहां साफ दिख रहा है टू के पी वन पी टू है ना, और आर का क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, नीचे में है आर का क्यूब तो माइनस वन अपॉन आर पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, पी वन पी टू माइनस में टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर पे पावर फोर, जो क्या फोर्स, तो जो फोर्स आ रहा है ये कैसे निकाले, ये के जगह वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन जीरो पुट कर लिए, खैर आप फोर्स साफ देख लो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर फोर है ना, ठीक है। ये वाला हिस्सा कॉपी कर लो जल्दी से ध्यान से, हम क्या बोले भाई, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा इसने, तो इसका डायपोल लिए और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिए और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दिए है ना, आर का पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो एन एक्स एन माइनस वन टाइप का यह हो जाएगा, ओके ठीक है। अगला हमारे पास जल्दी जल्दी कॉपी करो, ठीक है। अगला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन चार्ज, ठीक है, इसको मटा दे रहा है, मान लेते हैं हमारे पास एक इधर जल्दी छापो जल्दी से, ये एक लाइन चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, और यहीं पर हमें डायपोल रख दिया पी वेक्टर ऐसे, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है हमको, छाप लिए इधर का, हम मान लेते हैं कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, लेमडा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो है ना, तो फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह क्या होता है, पी इंटू डी अपॉन डी आर, तो पी तो इसी का है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही लिख लेते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी अपॉन डी आर ऑफ लेमडा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा यहां से पी लेमडा टू पाई एप्सिलॉन जीरो बाहर आ गया, बचा क्या डी अपॉन डी आर ऑफ वन अपॉन आर, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, पी लेमडा टू पाई एप्सिलॉन जीरो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर के फोर्स, मजा आया, कुछ था खत्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म। अब तुम लोग का काम है अगले चैप्टर की तैयारी करो, बस हो गया बाय। अगला चैप्टर जब इलेक्ट्रो सॉरी अगला चैप्टर जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट होने वाला है और उसको थोड़ा मजेदार तरीके से सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन थोड़ा सर्किट जो अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट से ज़्यादा होने वाला है, थोड़ा टेंथ वगैरह में तुम लोगों ने पढ़े हो ओम्स लॉ वगैरह भी है ना, सर्किट वगैरह जिन्होंने पढ़ा है कम से कम ओम्स लॉ के ऊपर, जो टेंथ का सवाल है उनको डील कर लो है ना, छोटा छोटा चीज़ है ना, बैठे बैठे तो कुछ काम नहीं है, ये सब कर लेते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि क्लास इलेवेंथ का जो है ना वो भी स्टार्ट होने वाला है 15th जून से, ठीक है, तो जो भी तुम्हारे जूनियर हैं उनको जा करके बोलो कि भाई फिजिक्स सेम पर हम हैं, बाकी और तो क्या बोले, ठीक है, तो बस हाँ ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप में, ठीक है, टेलीग्राम ऐप में, ठीक है, जैसे कि हम लोग का चैनल है, हम लोग का जो ग्रुप है उसका नाम है फिजिक्सियम है ना, तो उन लोगों के लिए बना के रखे हैं फिजिक्सियम 11 है ना, इस पर ज्वाइन कर ले, ठीक है, ताकि थोड़ा कनेक्शन जैसे तुम लोग से इंटरेक्शन हो जाता है फटाफट, ठीक है, ऐसे ही उन लोगों से भी इंटरेक्शन हो जाएगा तो है ना, जो भी 11th के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि कुछ तो करना है नहीं तो बस पढ़ाई करना है तो पढ़ लो है ना, ये टेलीग्राम ऐप है ना, ये टेलीग्राम ऐप है, जो मेरा मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है।
बहुत बड़ा वीडियो बन गया लगता है ना, तुम लोग का भी लगता है एग्जॉस्ट हो चुके हो। ओके मिलते हैं, बाय बाय।